इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी पहले वेवफॉर्म पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो वेवफॉर्म है वो बनेगी कुछ इस तरह से। और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम और इधर है मैग्नीट्यूड। अभी करंट का भी हो सकता है, वोल्टेज का भी हो सकता है, तो आई कोमा वी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड ऊपर, तो ये है जीरो रेफरेंस, तो जीरो से अप ये तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है, और जीरो से डाउन जो है इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डीसी, तो डीसी की वेवफॉर्म अगर बनाएं तो डीसी की वेवफॉर्म है इस तरह की। तो ये है वेवफॉर्म फॉर एसी और ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और इसको डैश 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 कर देते हैं और इसको भी एक इस तरह मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब डीसी के लिए, तो डीसी आपका अगर ये जीरो रेफरेंस पॉइंट है तो डीसी इस तरह है कंटिन्यूअस, ठीक है, और ये वेरी नहीं करती है टाइम के साथ। तो दो तरह की है, तो इसको मैं टाइम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इधर इसका मैग्नीट्यूड हो गया, चाहे आई है चाहे इसको वोल्टेज ले लो, ठीक है। तो ये है डीसी के लिए, और ये जो डीसी है ये कांस्टेंट, ठीक है, और इसमें ये पॉजिटिव है बेसिकली, ये पॉजिटिव वेवफॉर्म है डीसी की। नेगेटिव डीसी वोल्टेज भी हो सकती है तो उसमें इस तरह पर रहेगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, वो अल्टरनेट चेंज नहीं होगी, बस इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी जो है आई कोमा वी, ठीक है, तो ये नेगेटिव डीसी है। पल्सेटिंग डीसी भी होती है, उसमें क्या है, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूँ, है ना, इस डीसी को और इस एसी को, तो जो भी यहाँ पर कुछ इसका मैग्नीट्यूड है, तो एक वेव फॉर्म इसका एक न्यूमेरिकल कर लेंगे सिंपल सा। तो ये मेरा है टाइम और ये मेरा इधर, और इस तरह की वेव फॉर्म भी हो सकती है डीसी, ठीक है। तो इसमें डीसी और एसी कंपोनेंट दोनों हैं, ठीक है ना, पर ये क्या है, पल्सेटिंग फ्लक्चुएटिंग, ठीक, इसको पल्सेटिंग भी बोल सकते हैं, पल्सेटिंग डीसी, इरेगुलर डीसी, इरेगुलर डीसी है, ये कॉन्स्टेंट डीसी है, ठीक, ये दोनों वेव फॉर्म, ये पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, और ये इस तरह, ठीक है। तो ये है पल्सेटिंग डीसी, तो हैं ये तीनों डीसी की ही वेव फॉर्म, और ये ठीक। अब आते हैं जो वायर है या जिस कंडक्टर में ये फ्लो किस तरह से करते हैं। तो एसी का जो फ्लो होता है, ये मैं इसको ये वायर का एक क्रॉस सेक्शनल इस तरह बना देता हूँ। ये वायर है, सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एसी के केस में, तो एसी के केस में बैक एंड फोर्थ, तो एसी के केस में जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, वो एक मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग और उसकी फ्रिक्वेंसी है, सपोज करो 50 हर्ट्ज का है ना, तो 50 हर्ट्ज टाइम्स वो बैक मूव करेगा और 50 टाइम्स वो फोर्थ मतलब आगे जाएगा, तो इस तरह चलता रहेगा, तो वही कंटिन्यूस इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जो मूव कर रहा है वो एक बार इधर जाएगा और फिर इधर आएगा और फिर इधर जाएगा, ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो इस तरह की है। तो जो मीन, जो उसका जो मीन पाथ है, ठीक है, वो उसका जीरो है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक बार इधर और एक बार इधर, ये एसी के केस में है। तो जैसे वेवफॉर्म है जीरो जीरो है, तो वो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है जीरो पे, ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा। अगर वो पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव के लिए, अब यहाँ पर जीरो से ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, तो मैं इसको सपोज करो इसको मैं इधर यहाँ पर पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, मैं इस साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो यहाँ से, ठीक है, वो हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, तो ये
और जो करंट मूव करता है वो प्लस टू माइनस, ठीक। तो इसके जस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके जस्ट अपोजिट, जो उसकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो पॉजिटिव है इधर मान लेते हैं और नेगेटिव इधर मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो यहाँ से इधर जाएगा, सही है। तो जो पीक हाईएस्ट है उसका वो ये है, तो पीक हाईएस्ट तक जो उसकी डिस्टेंस कवर होगी वो यहाँ तक होगी, ठीक है। उसके बाद जब वो नीचे जाएगा, सही है, पीक से डाउन आएगा जीरो तक, तो ये दूसरा जीरो है, तो यहाँ से फिर वापस यहाँ से जाएगा और फिर जो उसका पाथ है जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ तक, तो ये उसका पाथ बनेगा। तो ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड जो भी है वहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक बार इधर और एक बार फिर वापस इधर। तो जैसे कि ये है जीरो से मैक्सिमम पीक तक और पीक के बाद फिर जीरो पर, फिर जीरो के बाद अब नेगेटिव तक। तो जीरो के जब जीरो से नेगेटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे तो जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई, ये जीरो से नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गई पोलैरिटी अब माइनस प्लस, तो अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे ही अल्टरनेट ये जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से फिर जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव, नेगेटिव से फिर जीरो, फिर जीरो से पॉजिटिव, पॉजिटिव से फिर जीरो, जीरो से फिर नेगेटिव, नेगेटिव से फिर जीरो, तो इस तरह। तो इसी तरह हमारा जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो जब नेगेटिव से प्लस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से अब ये मूव करेगा इस साइड में, ठीक है, पीक तक। तो जीरो से पीक तक जैसे जाएगा वो मूव करेगा अपना यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जब नेगेटिव पीक से जीरो तक आएगा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन बैक एंड फोर्थ, सही है, बैक एंड फोर्थ कैसे भी आप उसको लगा सकते हो, ठीक। तो बैक फोर्थ इस तरह चलता रहता है। तो पूरा यहाँ से और यहाँ तक की जो वोल्टेज है उसके लिए है ना, एक बार ये और फिर यहाँ से यहाँ पर और फिर यहाँ से यहाँ पर, तो कंटिन्यूस इस तरह मूव करता रहेगा इलेक्ट्रॉन, सही है। और ओरिजिनल पोजीशन जो है उसकी वो एज इट इज़ है। तो जो मीन पाथ है अगर उसका देखा जाए तो वो जीरो ही रहेगा, ठीक। अब आते हैं डीसी के केस में। तो डीसी के केस में सपोज करो ये कोई हमारा वायर है, ठीक है, कंडक्टर ले लिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन है तो एक ही डायरेक्शन है। तो सपोज करो यहाँ पर इधर मैंने माइनस मानना इसको, इधर प्लस मानना इसको, कनेक्ट किया हुआ है ये किसी वोल्टेज सोर्स से, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ये भी इधर मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन फिर जो हमारे यहाँ पर अगर सपोज करो मैं कोई मैंने बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो बैटरी ये कनेक्ट की हुई है, ठीक। तो यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है, वायर के थ्रू, और फिर कहाँ तक आएगा, बैटरी तक आएगा, ठीक है। और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये फिर वापस वायर में जाएंगे। तो इस तरह ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो 5 वोल्ट है, इधर इसको 0 वोल्ट मान लिया, तो यहाँ 0 है, ये 5 वोल्ट की वेवफॉर्म हो गई। तो कंटिन्यूस ये चलता रहेगा जब तक ये डिफरेंस रहेगा। जब वोल्टेज या कोई सेल है वो जब उसकी जो वोल्टेज है जीरो हो जाए, तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। और करंट जो मूव करता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब है डीसी करंट में जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मूवमेंट है, ठीक है, वो हमेशा मूव करते हैं वन डायरेक्शन में डीसी के केस में, और एसी के केस में वो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, ठीक। और जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहते हैं, ठीक है, और ये जो है ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो जो बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकल के कंडक्टर में जाते हैं, और कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी तक आते हैं, तो इस तरह ही कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। और ये जो है ये बैक एंड फोर्थ मूव करते रहेंगे एसी में। तो एक डिफरेंस ये हो गया। अब दूसरा डिफरेंस है, दूसरे डिफरेंस में जो करंट है ना, तो एक वायर हम इसको मैं चलो इसको हम हटा देते हैं, स्पेस हो जाएगा। तो जो वायर है तो ये मैं एसी के केस में बता रहा हूँ,
जो जो करंट फ्लो होती है, जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी के केस में, ठीक है, तो एसी में इसका मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि हमारे यहाँ मेन पावर सप्लाई जो है इंडिया के अंदर वो 50 हर्ट्स है, ठीक है, यूएसए में 60 हर्ट्स है, तो इस फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है ना, तो वो बनाया ही है मैंने सिग्नल इस तरह का है, ठीक है, एसी का सिग्नल। तो जो करंट जो मूव करती है वो सरफेस पे, जो कंडक्टर का सरफेस है, आउटर सरफेस है, उस पे मूव करती है, ठीक है, और जो जीरो है, जो इसका सेंटर, अगर इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊँ इस तरह का, तो करंट जो मिलेगी आपको मैक्सिमम जो होगी वो सरफेस पे होगी, तो ये जो सरफेस है इस पे करंट मैक्सिमम होगी, ठीक है, और जो सेंटर है वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पर जीरो चार्ज रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी किसी करंट का मूवमेंट नहीं होता है, मतलब किसी भी चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, तो जीरो पे। तो कहने का मतलब है सेंटर में है ना जो चार्ज है, जो चार्ज का मूवमेंट है वो जीरो होता है, ठीक। तो ये सिर्फ जो एसी है वो सरफेस पे ही ट्रेवल करती है, ठीक है। डीसी के केस में डीसी के केस में जो हमारा जो चार्ज का मूवमेंट है वो थ्रू आउट है ना, जो क्रॉस सेक्शन है उसका थ्रू आउट मूव करता है, ठीक है, तो सेंटर में भी वही उतना ही रहेगा, जैसे कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं, तो सेंटर पे भी सेम चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, और सरफेस पे भी सेम चार्ज फ्लो होगा, ठीक, तो जो भी चार्ज बनेगा वो सेम है, तो सेम चार्ज का मूवमेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैक्सिमम चार्ज सरफेस पर रहेगा, मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, और जो यहाँ पर है यहाँ पर जीरो जीरो चार्ज वैल्यू इस तरह का। तो ये डिफरेंस है एसी और डीसी में। तो जो एसी अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई फ्रीक्वेंसी और सरफेस पे चली जाती है, ठीक है, तो सेंटर से और दूर हो जाती है, तो कहने का मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी लोअर करते जाओगे तो वो जो है जो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये तो यूनिफॉर्मली उसमें अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो यूनिफॉर्मली जो क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट, सही है, तो वो करंट जो है फ्लो करती है यूनिफॉर्मली, जो क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो थ्रू आउट है ना, वो यूनिफॉर्मली मूव करती है। एसी के केस में जब कोई फ्रीक्वेंसी है तो वो उसकी सरफेस पर चले जाती है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ही वो सरफेस की तरफ बढ़ती जाएगी, तो अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो सिर्फ वो सरफेस पे मूव करती है, बीच में कोई ज़रूरत नहीं है, बीच में कंडक्टर को आप निकाल सकते हो, इसको अगर बाहर निकाल दो है ना, एक होलो पाइप रह जाएगा, तो इस टाइप का पाइप रह जाएगा, ठीक है, और उसमें आपका ये फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर बीच में इसमें कुछ भी फ्लो नहीं होगा, सिर्फ ये सरफेस पे मूवमेंट होगा एसी का। तो ये है बेसिकली डिफरेंस एसी और डीसी में। तो जो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो एसी जो सरफेस पे फ्लो करती है उसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको देखते हैं कि उसकी जो डेप्थ है, जो स्किन में जितना फ्लो हो रही है उसकी डेप्थ कितनी है। तो जैसे कि 50 हर्ट्स और 60 इसके लिए देखा जाए तो ये अराउंड है 7.5 mm के, ठीक है, तो इस तरह का है। तो कहने का मतलब ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम होता चला जाता है। अब जैसे कि रेसिस्टेंस को देखें तो रेसिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल डिवाइड बाई ए, तो ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एसी के केस में देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता जा रहा है, तो ये जो एरिया है वो घटता जा रहा है, घटता जाने से मतलब क्या है रेसिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो एसी की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। डीसी के केस में वो यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, तो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो यहाँ तो फ्रीक्वेंसी जीरो है, डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी जीरो, एफ इक्वल्स टू जीरो, एसी के केस में अगर मेन पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो 50 हर्ट्स है, तो यहाँ पर क्या है रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा एसी के केस में, ठीक है, तो जो
पावर का जो ट्रांसमिशन है ना, तो उसमें जो लॉसेज हैं, वह जो पावर लॉस हैं वो भी ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो इस वजह से डीसी को पहले जो स्टार्टिंग में डीसी को इसका एक तरह से जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया गया, पर प्रॉब्लम डीसी के साथ ये है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद उसको कम या ज़्यादा वोल्टेज में इसको कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ ये डीसी के साथ ये इजी नहीं है। वहाँ पर मूवेबल जो ट्रांसफार्मर है उसमें मूविंग पार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वियर टीयर का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो एसी का पावर ट्रांसमिशन जो है वो चीप पड़ता है, लॉसेज ज़्यादा हैं, पर जो ट्रांसमिशन है, जो पावर ट्रांसमिशन है, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करके उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉस्ट है, जो पावर ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है वो बहुत चीप पड़ती है एसी के केस में, जबकि डीसी के केस में ये खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से एसी को प्रेफर करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, चलो इसको यहीं रोकते हैं। इसको आप लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, वैल्यूबल है, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।